वेलकम टू मॉर्निंग क्लास पेला देख आज गोटे बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन हाईकोर्ट तरफ जूनियर स्टेनोग्राफर ये जदि ये गोटे स्किल बेस्ड एग्जाम ये गोटे स्किल बेस्ड एग्जाम जो मानकर जो मैंने स्टेनो शॉर्ट हैंड शिखी स्टेनोग्राफर को कहते हैं शॉर्ट हैंड जो मैंने शॉर्ट हैंड शिखी स्टेनो शिखुवे से गोटे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया पोस्ट 35 पोस्ट बहुत बढ़िया पोस्ट अच्छे ओडिशा कहपर हाईकोर्ट तरफ तो से यार आवेदन फास्ट स्टार्टिंग डेट हूँ 20/5 स्टार्ट हो तो शेष हूँ 18/6 ओके बहुत बढ़िया गोटे मस पखापाखि समय देखिए तो ये पदवी से मानी जो मैंने शॉर्ट हैंड जो मैंने शिखुंत कंटिन्यू रखुच्च देख हाईकोर्टर गोटे एग्जाम गोटे पैटर्न थाए कि ये सब एग्जाम को जल्दी जल्दी कर दिए ओके आर प्रिलिम आर मेन आर स्किल टेस्ट ये सब जाक गोटे प्रॉपर मासे मासे गैप रे कर दिए जो मैंने स्किल टेस्ट आगुरु शिखी जो मान पाखापाखि 80 वाट पर मिनिट्रे स्टेनो मान जानी से इजी हम स्टेनोग्राफर एग्जाम दवापी तो चलो यार कौन कौन सब क्राइटेरिया अच्छे देखा चल देखो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन आम देखे ये 20/5 स्टार्ट हो 18/6 पर्यटन आम सब जाचु ये गोटे ग्रुप सी लेवल मुझे एक्सट्रा गोटे कथा कहीदे कि हुए तो स्टेनोग्राफरटा जा ग्रुप सी रे कि तुम मानक जो फैसिलिटी मिल ये सब ग्रुप बी लेवल फैसिलिटी मिल गवर्नमेंट कहीं यार जो पे स्केलटा बहुत बढ़िया पे स्केल पाखापाखि 25,500 टू स्टार्ट होकर 81,000 पर लेवल 7 लोटा लेवल 7 पे मेट्रिक्स था तो आउ गोटे जिनस आपको मन रख कि ये जो हाईकोर्ट अंडर जो स्टेनोग्राफर जाए ये स्टेनोग्राफर आउ कि क्राइटेरिया अच्छे नुआ क्राइटेरिया देखते मुझे कहीदे देख कौ कौ पोस्ट बाहर केतना पोस्ट लेखा अनरिजर्वड आ 10 सीट आता भितर वेमेन 3 एससीबीसी पांचटा सीट एस टी 12 सीट एस टी पाखापाखि तो हाईकोर्ट मानक एस टी सीट अधिक था कहीं रिजर्व सीट सब अधिक था जमी तुम एएसओ बाहर हाईकोर्ट में रिजर्व सीट अधिक जो मैंने तो रिजर्व कैटेगोरी जाऊ से गोटे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कि तुमने निश्चित क्राक कर निश्चित भाव में एससी जो था ना एससी 8 टोटाल 35 अच्छी ता सहित आउट अफ व्विच 12 है वेमेन कैटेगोरी था पीडब्ल्यूडी रहा 2 आउ एक्स सर्विस मेल गोटाए तो आपको तुम निश्चित भाव में तुम देखिपार कि कटक कतरा कतरा भेके तुम तुम निजर कैटेगोरी देख जापर कतरा कतरा भेके क्या कौन अच्छे ओके देखो जो एज अच्छे ना ये एज 21 टू स्टार्ट होकर 32 भितर हो जाता तम से लेखी देखदेव एज जो मान 24/5 को आम धरचे जो मान 13/5/2003 पूर्वर 1992 रे जो मान जन्म से पकई पारे ओके तार क्राइटेरिया अच्छी पीडब्ल्यूडी 40% लेस अच्छी मोर देन 50% लेकिन अच्छी 15% रिलैक्सेशन अच्छी ये सब तो निश्चित भाव तुम जापर बट साधारण मुझे कहीपरि कि 21 वर्ष रु 32 वर्ष भितर तुम मैंने एप्लाय करके क्लीयर है नेक्स्ट देख एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन हम मत मुझे भावुची कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शॉर्ट हैंड केवल मतलब ये दरकार अच्छे कि तुम मैंने टाइपिंग स्पीड ठीक अच्छे ना सिंपल ये आटलिस्ट गोटे बैचलर डिग्री हवा निहत दरकार कहना ये गोटे ग्रेजुएट फोर्सटा आटलिस्ट 80 वर्ड पर मिनिट्र तुमको शॉर्ट हैंड मुझे फास्ट नोटिफिकेशन स्टार्ट कहीदी हाईकोर्ट सब वे 80 वर्ड पर मिनिट ही मागे तुम जब एस एस सी स्टेनोग्राफर भी देखो ना ग्रुप डीटा ये भी 80 वर्ड पर मिनिट मागे तुम ग्रुप सी देखो ताल से जाए 100 वर्ड मांगुव कि 80 वर्ड पर मिनिटा है गोटे मिनिमम आउ 40 वर्ड पर मिनिट टाइप रईटिंग निरकार जो तुम जो मन कर तुमको से डाकु गोटे आवाज आसो गोटे तुम शॉर्ट हैंड लिखो मन कर शॉर्ट हैंड तुम लिखले कि चल ए शॉर्ट हैंड लिखले समय लिखी सारा ट्रांसलेशन कर ना ये ट्रांसलेशन कला जो टाइपिंग थी ये टाइपिंग आटलिस्ट 40 वर्ड पर मिनिट हाँ निरकार आउबेस क्या आडिकुएट कंप्यूटर नलेज रहा दरकार अच्छे कंप्यूटर आप्लिकेसन रहा दरकार अच्छे कहीं ये 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 पाठ स्किल टेस्ट पढ़ाई को मन रखा दरकार अच्छे क्लीयर एक्जामिनेसन फी जमी हाईकोर्ट सब एक्जाम कराए 500 रुपीज निवाक पड़े तुम मानक जो तुम बिलंग कर एससी एस टी कैटेगोरी डिजेबिलिटी दिव्यांग रु बिलंग करू आर एक्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी तुम कौन से फी देवा दरकार ना जो तुम एससी बीसी थी जो तुम जेनेल थी निश्चित भाव में 500 रुपीज तुमको देवा पड़ेगा गवर्नमेंट को क्लीयर नेक्स्ट देख
अच्छा एबे तबा एग्जाम रो कोन कोन सिलेबस सो साधारणत सिलेबस तमर जो अछि एग्जाम रे ये क्वालिफाइंग नेचर था इंग्लिश टेस्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट है और स्किल टेस्ट है तो एबे जो हम रिटन एग्जाम रे जो अछि इंग्लिश रे ये 100 मार्क रे पढिबो आ 1 एंड हाफ आवर रे देम देखा एसे पढिबो 20 मार्क रो ट्रांसलेशन रो पैसेज टू इंग्लिश 20 मार्क रो आ इंग्लिश टू उड़िया करबो 20 मार्क रो आ नॉलेज इन द ग्रामर इंग्लिश ग्रामर 40 मार्क रो टोटल तमरो 1.5 घंटा रो गोटे एग्जाम रे हबो जहा को तमन तको ये कर पाइबो ओके ठीक अछि ना नाही चलो आमे बे जो नेक्स्ट पको को कि एबे हां ये को तमे जानिबो डिस्क्वालीफाई रे चलो अबे एबे हम जो नेक्स्ट जो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अछि ना यार थ्योरी पढ़ियो 50 मार्क स्किल टेस्ट पढ़ियो स्किल टेस्ट रे कोन दिबो सेम सेम दिनसो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस इंटरनेट ऑपरेशन सेम दिनसो थ्योरी कोन पूरा सेम दिनसो तो पजनिबो कि बग कोन डिबग कोन बायोस कोन इ सब पजनिबो सिंपल लिंस थ्योरी विषय पढ़ियो तो थ्योरी को तुमको 30 मिनट करा पढ़ियो आ ये क्वालिफाई तुम किछि व्यस्त हो दरकार नै ये क्वालिफाई हां 50% मार्क कंप्यूटर एप्लीकेशन जे रखिबो ताले डिस्क्वालीफाई हे जिवो आर माने ये बहुत इंपोर्टेंट है मनकटा मनक स्किल टेस्ट पाई तुमको 25 मार्क निहत रखिया पड़ो थ्योरी पाई तुमको 25 मार्क निहत रखिया पड़ो जदि न रखिलो ताल तुम क्वालिफाई हे परबो नाही ये बहुत इंपोर्टेंट आपको ध्यान मन रखियो क्लियर एबे देखो नेक्स्ट कथा कि शॉर्ट हैंड कौन मत लागु छ कि तमर ये पोस्ट पाई सबुठ इंपोर्टेंट दिन साला शॉर्ट हैंड काहे कि कहले शॉर्ट हैंड तुमरो 100 मार्क रो क्वेश्चन पड़िवो 80 वर्ड पर मिनट रे लिखिवो 40 वर्ड पर मिनट रे तुमको दिया जेबो ट्रांसक्रिप्ट करिया पाए क्लियर हबे आउ 400 वर्ड थिवो त तुम कहि परबो सर 400 वर्ड जदि 80 रो करबी ताले कोन 5 मिनट दबो निश्चित आबरे तुमको 5 मिनट दबो राइटिंग करिया पाए बा शॉर्ट हैंड पाए आउ तुमको पाखा बाकी 10 मिनट दबो तुमको ताको ट्रांसलेट करिया पाए सिंपल तो या को मन रखियो आउ ईच करेक्ट वर्ड पाई 0.25 मार्क अछि जे तमे भूल करो 10% तमरो किछु असुविधा नै हां ठीक अछि भूल भाल हबो किछु शॉर्ट हैंड माने से या जे तमे 10% रो ऊपर गलो ना ताहाले असुविधा हे जिवो ये डिबाट हे जिवो एग्जाम रो तमको भीतर को पैसा पाए देबे नै त मु जेमति कैलकुलेशन कर त मु देखा देले 5 मिनट शॉर्ट हैंड पाई 10 मिनट टाइप राइटिंग पाई देखो मु तमे सामने लिख दे छि आपको नै देबे मन रखियो छ बुझेला बुझेला को कथा हबे एबे तमे नेक्स्ट जीवा और आउ कोन कोन उभेस कथा अदर एलिजिबिलिटी तमे सब जानिथो निश्चित पर मु को अदर इंडियन सिटीजन हवा दरकार गुड कैरेक्टर हवा दरकार अछि 50% कम डिजेबिलिटी हवा दरकार अछि ई सब तमे जानिछो प्रति एग्जाम माने करे ई सब जिंस हे तमे देखा जाय आपको जानिछ समस्त नेक्स्ट कोनी का नेक्स्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेमति नॉर्मल एमति होए बट गोटे इन सब तुमको कह देबो चाहू छी एई जो सर्टिफिकेट दे छी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्विंग मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड 40 वर्ड पीरियड तमे जहु जो एग्जाम ता एबे दबो से एग्जाम रो गुटे सर्टिफिकेट दरकार अछि आजकल तो सर्टिफिकेट बहुत कम इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट तमे जीवो जाय के तांको तमे सर्टिफिकेट ता आनिबो ता पर तमे जानिबो कि हां हां ये ठीक ठाक अछि बोले आपन निहाति इंपोर्टेंट मन रखियो ओके ता पर उबेस को रिसेंट फास्ट फेल फोटो दबो ये सब जक सेम बस गोटे जिन तुमको कह दबो कि अप्लाई तमे करिया पई कुआर जगह पड़िबो नि डायरेक्ट तमे करिवो odishahighcourt.nic.in हेटे तमे दिबो क्विक लिंक थबो रिक्रूटमेंट कॉर्नर थबो क्विक लिंक्स माने डाउनलोड करबे ए ए साइट गला परे क्विक लिंक्स पर रिक्रूटमेंट कॉर्नर रिक्रूटमेंट पर एग्जामिनेशन पोर्टल तापर उबेस कथा एग्जामिनेशन पोर्टल गला परे तुमको लिखे दिबो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर तो आराम रे तमे एटा को कोन कर लेबो ना होची अप्लाई कर परे क्लियर तो आकु नेते परे तो मन रखियो अच्छा या पई हमरो रिटन एग्जाम जो होची रिटन एग्जाम तमे जो जबो रिटन एग्जाम रे तो इंग्लिश तबर आछि इंग्लिश मन रख तब जो इंग्लिश आछि या पई हमर बाणिक निश्चित आपर लॉन्च करछि कोर्स अछि हम पाकरे बहुत बढ़िया बढ़िया सर मन अछि त आसे त जॉइन कर पाइबो इंग्लिश पई जेतु ये हिंग्रिड 100 मार्क तमरो क्वालिफाइंग नुए ये कट ऑफ बेस मार्क तुमको आकु स्ट्रांग होबा को पड़िबो ता पई तुमको बेसिक फंडामेंटल जाने पड़िबो बेसिक जाने तो कमे अपन उबेस कथा मास पर बाणी को बाणी या पई स्पेशल इंग्लिश बेस तुम जॉइन नहीं पड़िबो कि कोन कोन इंग्लिश होय छे क्लियर हबे तो या आउ रोला कंप्यूटर कंप्यूटर ये एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट तुम्हें आसे के बाणी के अपन इंग्लिश कंप्यूटर पई अलगा कोर्स पे लॉन्च होय छे एग्जाम पई तमन आसे के जॉइन कर पड़िबो क्लियर तो ऑल द बेस्ट तुम नेक्स्ट एग्जाम पई ऑल द बेस्ट ये पर्टिकुलरली एग्जाम पे ऑल द बेस्ट होप यू ऑल डू वेरी गुड ओके।
तो थैंक यू वेरी मच।